क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, एक पिता ने 50,000 की राशि को 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर अपने दो बेटों के नाम इस प्रकार जमा किया कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण पर दोनों को समान राशि प्राप्त हो। यदि उसकी वर्तमान आयु क्रमशः 12 वर्ष और 14 वर्ष है तो वर्तमान में छोटे बेटे का नाम कितनी राशि है। अब देखिए 50,000 रुपये को उस दो भाग में डिवाइड किया, बड़े बेटे को दिया और छोटे बेटे को दिया। उस पर देखिए छोटे बेटे को यानी कि 50,000 रुपया था, इसको छोटा बेटा को दिया और तो बड़ा बेटा को कितना मिल जाएगा, 50,000 माइनस एक्स रुपया। छोटा को मिलेगा एक्स रुपया तो बड़े को कितना मिलेगा, 50,000 माइनस एक्स रुपया। अब देखिए छोटे बेटे का उम्र कितना होगा, एक का उम्र है 12 साल, एक का उम्र है 14 साल, तो 12 साल उम्र वाला होगा छोटा बेटा और 14 साल उम्र वाला होगा बड़ा बेटा। अब दोनों को 18 साल की उम्र होने पे ही उसको पैसा मिलेगा, यानी ये जब 18 साल का होगा और ये जब 18 साल का होगा तब इसको पैसा मिलेगा, और जो पैसा मिलेगा वो बराबर अमाउंट में मिलेगा, यानी ए बराबर ए मिलेगा, यानी कि ये जब 18 साल का होगा दोनों तो दोनों को बिल्कुल बराबर रुपया ही मिलना चाहिए। तो इससे देखिए ए बराबर ए हमको चाहिए। अब इसका देखिए इसका पी, इसका ए के लिए क्या करेंगे, पी पी प्लस पी आर टी बाई 100, यानी इसको कितना मिला था एक्स रुपया इंटू पी आर टी एक्स पी प्लस, यानी ए बराबर पी प्लस ऐसा होता है ना। तो अब देखिए ए बराबर ए हमको करना, ये आपका इक्वेशन बना। तो अब देखिए ए प्लस पी इंटू 5% रेट है इंटू देखिए 12 साल का उम्र है तो ये 18 साल के बाद इसको मिलेगा, ये कितना साल तक रहा है इसका पैसा, इसका पैसा रहा है इसका 6 साल तक रहा है, यानी कि 6/100 बराबर इसको इसका कितना पी है तो 50,000 माइनस एक्स इन द पी प्लस 50,000 माइनस एक्स और आर इंटू 4 साल तक रहा बट्टा 100। इसको अगर सॉल्व करते हैं देखें 5 से 20 5 से 100 2 3 6 और 2 10 20 या 3x/10 यानी कि अगर बढ़ेंगे तो 10 1 10x और 3 13x 13x/10 बराबर इसको देखिए 520 देखिए 520 20 5 105 हुआ। तो अब देखिए इसको हम एक आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा यहाँ पर देखिए 5 से करिए तो इसका भी देखिए भिन्न का जोड़ करते हैं, 5 को इससे गुना करेंगे तो 2,50,000 माइनस 5x प्लस 50,000 ये वाला पूरा लिखना होगा 50,000 माइनस एक्स और टोटल बट्टा में 5। अब देखिए नीचे को नीचे से कटा सकते हैं 5 2 10 अब देखिए 2 को इधर से गुना करना होगा, देखिए 13x/2 बराबर 2,50,000 प्लस 50,000 यानी 3,00,000 1 2 3 4 5 अब माइनस 5x माइनस एक्स यानी माइनस 6x ठीक है। अब देखिए ये 2 को इधर गुना कर देंगे और ये 6 को इधर माइनस कर लेंगे तो फिर ये 2 को दोनों में गुना किया फिर ये 6 को इधर ले आइए 13x/2 और प्लस 6x/3,00,000। अब देखिए तो 6 × 12x और 13x यानी 25x/2 बराबर 3,00,000 25 देखिए 25 से कम 25 25 × 50 1 2 3 12,000 तो x बराबर 12 × 24,000 यानी कि वो छोटे बेटे को कितना रुपया मिला होगा, उसको मिला होगा कितना 24,000 रुपया ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एक आदमी के पास 2,000 रुपया है, वह इस राशि का कुछ हिस्सा 5% वार्षिक दर पर और शेष 4% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार देता है, एक वर्ष में वह कुल 96 रुपये कमाता है, 4% पर उसने कितनी राशि उधार दी थी। तो हम मान लेते हैं क्या कि 2,000 रुपया इसके पास है, 4% रेट पर दिया और इसको देखिए दो भाग पहले डिवाइड किया, एक को दिया मान लेते हैं एक्स रुपया, दूसरे को दिया होगा कितना
2000 और माइनस एक्स रुपया, 4% रेट पे एक्स रुपया दिया है और 5% रेट पे इतना रुपया दिया है। तो अब देखिए, अब कहता है दोनों जगह से वो 96 रुपया वो कमाता है, यानी कि इसका एस आई और प्लस इसका एस आई बराबर 96। ये आपका बना बिल्कुल बेसिक इक्वेशन, एस आई प्लस एस आई बराबर 96। इसका एस आई निकालते, इसका एस आई निकालते, इसका एस आई कैसे निकलेगा, एक्स इंटू आर इंटू टाइम कितना है, एक साल तक दिया है बट्टा में 100 बराबर। इसका एस आई कैसे निकलेगा, तो 2000 माइनस एक्स बट्टा इंटू 5 इंटू 1 बट्टा 100। देखिए 100 कट गया, 5x इधर है, तो अब देखिए ऐसे नहीं, हम बराबर कैसे लिख सकते हैं, अब प्लस इसका ऐसा है, यानी कि 2000 माइनस एक्स इंटू आर इंटू टाइम एक साल बट्टा 100 बराबर 96। ये आपका बना इक्वेशन। तो अब देखिए इसमें सब कर देंगे, कटेगा नहीं, 4 से 25 चौका 100, 5 से 20 पंचे 100। अब इसको निकालते हैं, तो एक्स बट्टा 25, एक्स बट्टा 25 अब प्लस 2000 माइनस एक्स बट्टा 20 बराबर 96। अब देखिए इसको कहते हैं, तो 20 5 का एलसीएम, बीस और 25 का एलसीएम कितना होगा 100, 25 चौका 25 चौका 100 यानी कि 4x प्लस 20 पंचे 100, 5 गुना 10000 माइनस 5x बराबर 96। अब देखिए 4x माइनस 5x यानी कि माइनस एक्स अब प्लस 10000 बट्टा 100 बराबर 96। अब देखिए माइनस एक्स बराबर 9600 और माइनस 10000 यानी कि एक्स माइनस एक्स बराबर माइनस 400 यानी इसी कट गया, यानी एक्स बराबर 400 रुपये, यानी कि एक्स बराबर निकला कितना 400, यानी कि वो चार, यानी एक्स 4% पे वो 400 रुपया दिया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन आपका इक्वेशन समझना है और सब तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। 34 देखिए, 34 में क्या होता है, 400 की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह कितनी हो जाएगी। देखिए 400 रुपया 4 साल में किसी रेट से कितना हो जाती है, यानी 400 रुपया 480 हो जाती है, तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, यही जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो तो आपका एस आई है, क्या है एस आई, तो यानी 400 रुपया हो रहा है कितना 480 हो रहा है, यानी एस आई बराबर कितना होगा 80 रुपया, एस आई कितना बढ़ रहा है 80 रुपया, यानी एस आई बराबर फार्मूला लिखते हैं पी आर टी बाई 100 यानी कि बराबर एस आई, एस आई कितना होगा 400 रुपया हो गया 480, यानी 80 हो गया एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा जो होता है वो होता है एस आई, यानी एस आई बराबर पी आर टी बट्टा 100, डबल जीरो कैंसिल, 4 × 16 = 80, यानी आर बराबर क्या हुआ 5% निकला। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेट को 2% बढ़ा देते हैं, तो रेट को हम 2% बढ़ा देते हैं तो रेट क्या होगा, न्यू रेट क्या होगा, वो होगा 5 × 2 = 7%। अब 7% रेट से निकालिए कि वो राशि कितनी हो जाएगी, वो राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि एस आई प्लस पी पूछता है, यानी वो राशि कितनी होगी, वो राशि होगी ए, यानी कि पी प्लस एस आई आपको निकालने का है। देखिए तो ए बराबर क्या होगा पी, पी कितना हुआ तो 400 रुपया है, अब प्लस पी आर टी 400 इंटू रेट कितना है, अब लेना है हमको 7% लेना है, टाइम कितना लेना है, टाइम लेना हमको 4 साल ही लेना है बट्टा में 100, तो 7 × 28 = कितना होगा 28 × 84 20 × 80 और 28 यानी कि 400 प्लस 4 × 16 = 112 यानी कि 512, वो राशि कितनी हो जाएगी, वो राशि हो जाएगी
512 रुपया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35, 800 रुपया साधारण ब्याज पे 3 वर्ष में 920 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो कुल रकम कितनी होगी। 800 रुपया था, हो गया 920, यानी एक्स्ट्रा कितना बढ़ा 120, यानी 800 रुपया था ये 920 रुपया हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 120 रुपया जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो आपको क्या निकलेगा, एस आई निकलेगा। एस आई बराबर पी आर टी बट्टा 100, यानी पी इंटू आर, आर इंटू टाइम कितना है 800 रुपया था, 3 साल में होता है, 3 साल में बट्टा 100। इसमें सबको आर का वैल्यू निकालना है, 8 + 24 15 + 8 = 120 और 3 + 5 = 15, यानी इसमें भी आर का वैल्यू कितना निकला 5%। आर के वैल्यू को कितना बढ़ाना है, आर के वैल्यू को हमको बढ़ाना है कितना 3% बढ़ाना है, यानी आर न्यू आर कितना लेना है हमको 5 × 3 = 8% लेना है आर का वैल्यू। तो अब देखिए, अब ये तो 3 में बढ़ा दी तो एक रकम कितनी हो जाएगी, तो अब देखिए ये रकम कितनी हो जाएगी, यानी ये पूछ रहा है, यानी कि पी प्लस एस आई आपको चाहिए, तो पी का वैल्यू कितना है 800 रुपया प्लस 800 का एस आई चाहिए कितने साल के लिए, यानी 8% रेट से 3 साल के लिए आपको चाहिए कितना, 8 + 24 = 64, 4 + 12 = 36, 18 + 18 = 19, 192 प्लस 800 यानी कि 992, यानी कि वो रकम कितनी हो जाएगी, वो रकम हो जाएगी आपको 992 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते, क्वेश्चन नंबर 36 क्या होता है, एक ऑटोमोबाइल वित्तदाता साधारण ब्याज पर धनराशि उधार देने का दावा करता है, पर मूलधन निकालने के लिए वह हर 6 महीने ब्याज जोड़ता है, यदि वह 10% ब्याज लगाता है तो प्रभावी ब्याज दर क्या होगा। ठीक है, अभी जस्ट बता दें, क्वेश्चन नंबर 36 जो हम आपको बता रहे हैं वो देखिए, मेरा मैथमेटिक्स का लैंग्वेज इतना ज़बरदस्त है कि ये क्वेश्चन चाहे गलत रहे या सही रहे हम उसका एक्चुअल चीज़ निकाल देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, एक ऑटोमोबाइल वित्तदाता साधारण ब्याज पर धनराशि उधार देने का दावा करता है, लेकिन मूलधन निकालने के लिए वो हर 6 महीने ब्याज जोड़ता है, वो 10% पर ब्याज लगाता है, तो प्रभावी ब्याज दर क्या होगा। देखिए 10% वार्षिक वो ब्याज देता है, ये बात यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था लेकिन यहाँ पर ये फॉल्ट है। तो देखिए 10% वार्षिक वो ब्याज देता है, लेकिन ब्याज वो 6 महीने में ही कैलकुलेट कर लेता है, यदि मान लेते वो 6 महीने में ही कैलकुलेट करता है, यानी वो यदि वो 100 रुपया देता है साधारण ब्याज पे, तो देखिए इस 10% इसका वार्षिक है, यानी कि 100 रुपया देता है, 10% इसको लेना चाहिए, लेकिन वो 10 रुपया कब लेगा 1 साल के बाद, लेकिन जोड़ता कितना है 6 महीने के बाद, यानी कि उसको 6 महीने बाद उसको कितना मिलना चाहिए, उसको मिला कितना 5 रुपया, यानी 100 रुपया था, 6 महीना बाद मिल गया उसको कितना 5 रुपया, और फिर 6 महीना बाद उसको कितना मिल गया 5 रुपया। ठीक है, वही 1 साल को हम क्या किए, 2 भाग में डिवाइड किए, 6 महीना और 6 महीना, इस 6 महीने से कितना मिलेगा 5 रुपया, इस 6 महीने से कितना मिलेगा 5 रुपया। अब देखिए क्या कहता है, अब जब उसके पास उसके ये 5 रुपया उससे ले लिया है, मूलधन में ऐड कर दिया है, अब ये 5 रुपया भी 6 महीना तक रहेगा यहाँ पे, ये 5 रुपया इसको यहाँ पे मिला है, और ये 5 रुपया भी उसको 6 महीना तक रहा है, यानी कि 5 रुपया का 10% रेट से 5 रुपया, देखिए 5 रुपया पर उसको 10% लेना चाहिए 1 साल के लिए, 1 साल के लिए उसको 10% लेना चाहिए, लेकिन उसको वो कितना 6 महीने के ले रहा है, इसलिए वो 10% नहीं लेकर के 5% ही लेगा, वो 5% इसको लेना पड़ेगा, 5 × 25 = 100, यानी कि 1/4, यानी कि 0.25 उसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, यानी 5 × 5 = 10 और प्लस 0.25, यानी कि 10 और प्लस 0.25 यानी कि 10.25 इसको एक्स्ट्रा मिलेगा। समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को आप छोड़ के निकल सकते हैं, वैसे है बहुत आसान, बनाने में बहुत मज़ा है हमको, इसमें बहुत दिमाग लगा सोचने में कि आखिर ये निकलेगा कैसे। तो देखिए 100 रुपया था, 6 महीना पर लिया, 6 महीना पर लिया, 5 रुपया यहाँ लिया, 5 रुपया यहाँ लिया, लेकिन ये 5 रुपया जो ले लिया यहाँ पे, ये 5 रुपया भी तो ये 6 महीने तक और एक्स्ट्रा रहा है, यदि वो 1 साल रहता तो वो मिलता उसको 10%, लेकिन ये रहा 6 महीना, इसलिए उसको मिला कितना 5% ही, इसलिए 5% मिला कितना 0.25, जो कि यही एक्स्ट्रा हो जाता, यानी कि 10.25, इसका आपका आंसर बहुत ज़बरदस्त निकला। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कब शुरुआत 37, अब बीच बीच में एक दो क्वेश्चन इस रूप में आ जाती तो दिमाग का तो दही बन जाता है, लेकिन वो उसके बनाने के बाद हमारे दिमाग और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, इस तरह क्वेश्चन से घबराइए मत, इसको बस आगे बढ़ाते रहिए।
कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 है तथा 5 वर्षों में 2600 हो जाती है। धन कितना है देखिए, 2 साल है। अब देखिए इस पर बताते हैं नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे कोई धन मान लेते पी है 2 साल के बाद और 5 साल के बाद। कोई धन जो पी जो है 2 साल के में, 2 साल के बाद हो जाता कितना 2240 हो गया, और 5 साल के बाद कितना हो गया, वो हो गया 2600 रुपया। कितना हो गया 2600 रुपया। तो अब देखिए नंबर लाइन का एक सिस्टम ये है कि आपको, यानी कि नंबर लाइन का सिस्टम ये है कि राइट साइड में प्लस होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, ज़्यादा होता है यानी कम होता है। 2600 ज़्यादा है इससे, ये ज़्यादा होगा इससे, यानी कि राइट साइड हमेशा ज़्यादा होता है, लेफ्ट साइड हमेशा कम होता है। अब देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए 2 साल यहाँ पे है, 5 साल यहाँ पे है, तो बीच का डिस्टेंस कितना है 3 साल। कितना है 3 साल। अब 3 साल में रुपया कितना डिस्टेंस है, देखिए मूलधन जितना था उतना ही रहेगा, बढ़ेगा क्या, ब्याज बढ़ता जाएगा उसका। तो देखिए 2600 में से इतना को माइनस कर लेंगे तो क्या निकलेगा, 2600 और माइनस 2240, तो 2600 में से 2240 में घटेगा तो कितना होगा 360, यानी कि 3 साल में 360 रुपया उसका बढ़ता है। इसलिए 1 साल में कितना बढ़ेगा, 360 / 3 यानी कि 120 रुपया उसको 1 साल में बढ़ता है। ये बिल्कुल दिमागी रूप से सिर्फ हिसाब कितना, जैसे कि हम लोग जाते हैं किराने की दुकान में कुछ सामान खरीदने के लिए, तो हिसाब किताब जब करते हैं उसी तरह से हिसाब किताब करने टाइम में ये सब क्वेश्चन है। तो देखिए 2 साल बाद होता है कितना 2240, 5 साल बाद होता है 2600 रुपया, 2 साल, तो देखिए सवाल होता है बीच में 3 साल में ये पैसा कितना बढ़ गया, 3 साल में इसमें पैसा कितना बढ़ गया, तो 2600 में से 2240 को माइनस कर लिए, वही रुपया इसको बढ़ रहा है 360/3 यानी कि 120 रुपया उसको प्रत्येक साल उसका वृद्धि होता है। कितना 120 रुपया प्रत्येक साल, कितना वृद्धि होता है उसको 120 रुपया की वृद्धि होती है प्रत्येक साल। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना साल है 2 साल, ये 2 साल में वो कितना बढ़ा होगा 120 × 2 यानी कि 240 रुपया, 240 रुपया उसको 1 साल में बढ़ करके 2240 रुपया हो गया होगा। कितना, 2 साल में उसको 240 में बढ़ करके 2240 रुपया हुआ होगा, 2240 रुपया। ये क्या है, ये इसके लिए मिश्रधन है, तो मूलधन अ प्लस ब्याज, मूलधन अ प्लस ये ब्याज अ प्लस मूलधन बराबर मिश्रधन, ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्रधन। इसका देखिए 2 साल का ब्याज कितना होगा 240 रुपया, यानी ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्रधन। अब देखिए यहाँ से मूलधन निकालने क्या करेंगे, 2240 में 240 होगा माइनस, यानी बचेगा कितना 2000 रुपया, जो कि आपको पूछ रहा है। उसका प्रभावी पूंजी कितना था, उसका प्रभावी पूंजी था, धन कितना था, वो इन्वेस्ट किया था कितना 2000 रुपये, वो इन्वेस्ट किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई राशि 2 वर्ष में 2520 और 5 वर्ष में 2700 हो जाएगी, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, यहाँ पे आपको रेट पूछ रहा है, रेट क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, 2 साल में 2520 यानी कि देखिए 2 साल में हो गया कितना 2520 रुपया, और 5 साल में हो गया 2700 रुपया, 5 साल में हो गया 2700 रुपया। देखिए एक्चुअली जब हम पर्सनली बना देते हैं इसको माइंडली बना देते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ता है एक एक चीज़। 2 रुपया कितना था, पी रुपया था। देखिए ये बीच का डिस्टेंस कितना, ये 3 साल में उसको कितना रुपया बढ़ा होगा, 2700 - 2520 यानी कि 180 रुपया। 2 साल में उसको कितना बढ़ा, 3 साल में कितना बढ़ा, 180 रुपया। 2700 - 2500 कितना होगा 2500 - 2700 यानी कि 180 रुपया उसको कितना बढ़ा 3 साल में, तो 2/3 करेंगे निकलेगा 60, यानी कि 1 साल में कितना बढ़ता है रुपया, 60 रुपया बढ़ता है 1 साल में। यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 साल है, कितना है 2 साल है, यानी 2 साल का ऐसा ही कितना है 60 × 120 रुपया होगा ऐसा है, ऐसा है बराबर PRT/100 पे इंटू रेट इंटू टाइम बट्टा 100, ये 2 साल है टाइम का, जब कितना है 2 साल है। अब ये देखिए पी आसानी से निकल जाए, देखिए जब 2 साल का ब्याज कितना है 120 रुपया, और यहाँ पे देखिए 2520 रुपया मिश्रधन दे रहा है, तो मिश्रधन में से जब हम ब्याज को माइनस करेंगे तो मूलधन निकल जाएगा ना, तो 2520 में से 120 को माइनस किए तो निकला कितना 2400 रुपया, उसका क्या है पी है यानी मूलधन है, यहाँ पी के जब क्या लिखेंगे 2400, तो इससे हमको रेट निकल जाएगी ना, इससे हमको रेट निकलेगी यहाँ पे। तो देखिए 00 00 कैंसिल, और 2 से कटेगा तो यहाँ कितना निकलेगा 60, तो रेट बराबर 60/24 यानी कि 6 × 24 6 × 10 60 यानी कि 5/2 यानी कि
टू दो पूर्णांक एक बटा दो यानी कि 2.5 आपका आंसर हुआ। इस रूप में बनाइए क्वेश्चन। उनचालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1260 तथा 5 वर्ष में 1350 हो जाती है। 2 साल में होगा कितना 1260 और 5 साल में 1350, यानी कि 1350 में से 1260 को माइनस करने हैं, ये क्या निकलेगा? 3 साल का डिस्टेंस, इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन माइनस बिल्कुल उसी पर आप नंबर पर फिट कीजिए। अब बट्टा में कितना, ये वृद्धि कितने साल के लिए था? ये वृद्धि था आपको 3 साल के लिए, 2 वर्ष में इतना, 5 साल ये वृद्धि था कितना, 3 वर्ष के लिए। इसको कैसे निकलेगा देखिए, 0 में 0 में 0 में 0 में 0 और 15 में 6 गया 9 और 0 यानी 90 रुपया। 3 साल में कितना पड़ेगा, 90 रुपया। हाँ ठीक है, 90 रुपया बढ़ता, वो 1 साल में कितना बढ़ता है, 1 साल में बढ़ता है 30 रुपया। यानी कि जब 2 साल में होता है 1260 रुपया, 2 साल में बढ़ता कितना होता है, 2 साल में बढ़ता होता है 1260 रुपया, और 2 साल का ब्याज कितना हुआ, 30 × 60 रुपया, और 1260 में यानी 60 में बढ़ा दिया, यानी ब्याज मूलधन कितना होगा, मूलधन होगा 1200 रुपया। समझ में नहीं आ रही, ठीक है इसको फिर से बता देते हैं, 1350 1260। देखिए ये रहा नंबर लाइन, ये रहा पी, 1260 रुपये यहाँ पे है, 1350 रुपये यहाँ पे है, 2 साल में है, ये है 5 साल में, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 साल का, 3 साल में वो कितना बढ़ा है, 1350 में से 1260 माइनस कीजिए तो बचेगा कितना, 90 रुपया बट्टा 3, यानी कि 30 रुपया वो प्रत्येक साल बढ़ता है, तो यहाँ पे उसका पी कितना होगा, जितना भी होगा यहाँ पे वो 60 रुपया बढ़ गया होगा, बीच का डिस्टेंस कितना रुपये बढ़ा हुआ, 60 रुपया, यानी 60 रुपया ब्याज है, तो इसका मूलधन कितना होगा, देखिए मिश्रधन में से ब्याज को माइनस करें तो निकलेगा कितना मूलधन, तो 1260 में 60 को माइनस किए तो निकला कितना, 1200 रुपये इसका मूलधन हुआ, 1200 रुपया। पी इंटू आर इंटू टाइम कितना है, 2 साल के लिए, बट्टा में 100, तो 1250 60, यानी रेट इजकल टू 5/2 यानी कि 2.5। ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 और 4 वर्ष में 854 हो जाती है। 3 वर्ष में 815, 4 वर्ष में 854 और 854 हो जाती है, 3 वर्ष में 815 और 4 वर्ष में 854 हो जाती है, वो राशि होगी कितना, पी। तो देखिए 1 साल में इसका कितना बढ़ता है, डिस्टेंस कितना है, 854 में से 815 को माइनस करते हैं तो निकलेगा कितना, 39, यानी 1 साल में कितना बढ़ता है, 39 बढ़ता है, 1 साल में कितना बढ़ता है, 39 बढ़ता है, यानी 39 कितना हो, 1 साल का ब्याज होगा, 1 साल का ब्याज कितना, 39, यानी 815 क्या है, मिश्रधन है, ये पी है, बीच का डिस्टेंस कितना होगा, नहीं ये 3 साल के लिए ना, ये यहाँ से यहाँ तक का ब्याज कितना हुआ, 39 × 3 यानी कि 9 × 3 = 27, 3 × 3 = 9 = 11, 117 रुपया। तो 815 में से 117 को माइनस करेंगे वो क्या निकलेगा, पी निकलेगा, तो 815 में से 117 को माइनस करते हैं तो 15 में से 7 गया 8 और 15 से 8 के साथ 80 में से 11 गया 73, 698 पी इंटू आर इंटू टाइम कितना है 3 साल के लिए बट्टा में 100। तो अब यहाँ से हमको रेट निकालने का है, देखिए 3 से कटेगा 13 और 13 से ये कटेगा 13×5 = 65 और 65 = 48 नहीं कटेगा 40। अच्छा वो धनराशि कितना है, धनराशि ही तो पूछ रहा है, तो धनराशि पूछ रहा है, रेट निकालने की जरूरत नहीं है, तो धनराशि कितना है, तो 815 में से 117 को माइनस कर देते हैं, 815 में से 117 को हम माइनस कर देते हैं, वही तो आपको धनराशि निकलेगा, यहाँ पे पी का वैल्यू निकलेगा, तो देखिए कितना निकला था, कितना 700 649, 15 में 7 गया 8, 80 में से 11 गया 72, 698 रुपया, 698 रुपया उसका पी निकला। ठीक है देखिए 5 साल में इतना, 5 साल में 5200, 5 साल में हो गया 5200 और 8 साल में, 5 साल 5200, 8 साल में 7 साल में 5680, 7 साल में हो गया कितना 5680,
यहाँ पे मान लेते इसका पी है, देखिए 5 साल में इतना, 7 साल में इतना, तो बीच का डिस्टेंस कितना निकला, 2 साल का डिफरेंस कितना हुआ, 2 साल का डिफरेंस कितना होगा, 12 4 56 यानी 480, 480 में होगा 2 साल का डिफरेंस यानी कि 24, यानी 240 में बढ़ता है प्रत्येक साल, 240 में बढ़ता है कितना प्रत्येक साल, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा होगा 5 साल में, तो 24 × 5 = 120 यानी कि 1200 रुपये वो बढ़ा हुआ कितना साल में, कितना साल में, 5 साल में, इसका मूलधन कितना हुआ 4000 रुपया, मूलधन गुणे ब्याज, मूलधन गुणे रेट और गुणे टाइम कितना 5 साल में बट्टा 100 और बराबर एस आई जब कितना है 1200, एस आई बराबर PRT बट्टा 100, इसको तुरंत निकाल दीजिए, 4 × 4 = 30, 5 × 6 = 20 यानी रेट बराबर 6%। कोई धनराशि समान क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इसमें कहता है कि कोई धनराशि समान सामान्य ब्याज दर पर 5 वर्षों के बाद 9800 और 8 वर्षों के बाद 12005 हो जाती है, 5 साल बाद 9800 और 8 साल बाद 12005 हो जाती है, 5 साल बाद 9800 और 8 साल बाद 12005 हो जाती है, यानी कि इसके बीच का 5 साल बाद और ये 8 साल बाद, यानी बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, बीच का डिस्टेंस है 3 साल का, तो 3 साल में वो कितना बढ़ा है, जो बढ़ा हुआ ये 3 साल का ब्याज होगा, तो 12005 में से 9800 माइनस करते हैं, तो 12005 में से 9800 जो माइनस किए तो आया कितना, 5 × 5 = 0 और 10 × 8 = 2, 11 × 9 = 2 यानी 2205 रुपया बढ़ता है 3 साल में, यानी कि 5 साल और 8 साल के बीच में कितना साल का डिफरेंस है, 3 साल का, और 2205 रुपये का डिफरेंस है, यानी कि 3 साल में इतना बढ़ता है, तो 3 से यदि भाग दे तो वो निकलेगा 1 साल का 321, 3 × 3 = 55 यानी 735 रुपया बढ़ता है 1 साल का। यहाँ मान लीजिए उसका धन कितना है पी है, तो पी जो है 5 साल बाद बढ़कर हुआ है कितना 9800, तो यानी कि 735 × 5 यानी ये कितना यहाँ से यह बढ़ा होगा, यानी कि पी ए प्लस 735 × 5 ये क्या हुआ, ये आपको 5 साल में ये धन बढ़कर 9800 हुआ था बराबर 9800, ठीक है, तो देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 15 = 17, 7 × 5 = 37, 5 × 15 = 17, 36 यानी कि 3675 रुपया बढ़ गया हुआ है 9800, यानी पी का वैल्यू कितना आएगा, पी बराबर 9800 माइनस 3675, 10 × 5 = 5, 9 × 7 = 2 और 6 × 7 = 1 और 9 × 3 = 6 यानी 6125 रुपये क्या हुआ, पी का वैल्यू कितना हुआ 6125 रुपये, 6125 क्या हुआ पी का वैल्यू हुआ। तो फिर अब देखते हैं, तो अब हमको क्या, हमको ब्याज भी मिल चुका है, मूलधन भी मिल चुका है, तो हमको रेट चाहिए, तो इसका इक्वेशन क्या निकलेगा, मूल ब्याज बराबर यानी कि 3675 यानी ब्याज बराबर PRT/100, पी कितना हुआ 6125 टी इंटू आर इंटू टी यानी 5 साल बट्टा 100 इस रूप में ऐसे निकला। तो इस तरह से हमको इसमें से हमको आर निकालना है, रेट निकालना है कैसे निकलेगा, तो फिर देख लीजिए, देखिए रेट को यहीं पर आने देते हैं तो क्या निकलेगा, 3675 × 100 बट्टा में ये दोनों इधर आके बट्टा हो जाएगा, यानी 6125 × 5 बराबर आर, इसको बस कटाइए और कुछ नहीं होगा, 5 × 20 = 100, 5 × 20 = 5 से कटाइए 12 × 5 = 8, 5 × 8 = 25, अब कटेगा कितना 5 से कटाइए इसको, 5 × 2 = 10, 5 × 20 = 25, 5 × 5 = 35, 5 × 35 = 35, 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25 इतना, अब ये 200 इतना 24 × 3 यानी कि 3 बार में कटे 4 × 3 = 12 यानी आर बराबर 12% यानी इस रूप में ये निकला, बस इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन था।
अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आ गया वो आएगा 43 नंबर क्वेश्चन। 43। साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अब देखिए अब मजा आएगा इसमें। कोई राशि थी, इसको नंबर लाइन समझिए, कोई राशि थी पी और 15 साल के बाद ये दोगुनी हो गई। पी था और हो गया डबल, यानी कि हो गया कितना 2p हो गया, यानी 2p हो गया, यानी बीच में बढ़ा कितना, डिस्टेंस कितना हुआ, वो p का डिस्टेंस हुआ, यानी 2p माइनस p इजकल टू p, यानी ये क्या हुआ, ये हुआ मिसधन, ये हुआ मूलधन यानी p, और ये बीच में क्या हुआ, ये हुआ si, यानी p डबल हो गया, यानी p था p और आ गया, यानी हो गया 2p यानी a, तो यानी यहाँ से आपको मूलधन क्या निकला, तो p मूलधन p, तो si क्या निकला, si भी p हो जाएगा, तो p यानी si बराबर PRT/100 p इंटू आर इंटू टी, टी कितना है 15 साल, PRT/100। तो यहाँ से इक्वेशन ये निकला, पी से पी तो कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए आर बराबर क्या होगा, आर बराबर 100/15, यानी कि 5 × 3 = 15, 20 × 1 यानी कि 20/3 बोले तो 6.2/3% इसका रेट होगा। तो इस तरह से बनाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में चौगुना हो जाएगा, यानी कोई धन जो था 15 साल में हो जाएगा यानी कि 4 गुना हो जाएगा। हाँ हेलो, हाँ हो जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए। कोई धन था पी, वो 15 साल में हो गया 4 गुना, यानी कि 15 साल में कितना हो गया 4 गुना। तो देखिए बीच में कितना बढ़ा है, बीच में बढ़ गया 3p, ये 3p क्या हुआ, si हुआ, यानी कि si बराबर PRT पी इंटू आर इंटू टी बट्टा 100, पी से पी कैंसिल और 3 × 5 = 15 और 5 × 20 बढ़, यानी आर इजकल टू क्या हुआ 20%। अगला क्वेश्चन देखिए 45। अब सब बिल्कुल इसी तरह से मिलेगा और ये बिल्कुल आसान होगा। देखिए प्रतिवर्ष किस दर प्रतिशत पर एक रकम 8 वर्ष में दोगुनी होती है, यानी ये रकम 8 साल में होती है डबल, यानी पहले पी था अब हो गया 2p, तो बढ़ा कितना पी, यानी एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बट्टा 100, तो पी से पी कैंसिल, तो आर इजिकल टू 4 × 8 = 25 यानी कि 25/2 यानी कि 12.1/2 या फिर 12.5% होगा। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में एक राशि दोगुनी हो जाएगी, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में एक राशि दोगुनी हो जाएगी, 4 वर्ष में एक राशि होगी दोगुनी, यानी 4 साल में एक राशि डबल हो गई, यानी बीच में बढ़ा कितना पी हो गया SI, यानी SI बराबर PRT/100, पी से पी कैंसिल, 4 × 25 = 25, यानी आर इजकल टू 25%। अब क्वेश्चन नंबर 47। सब बिल्कुल सेम तरह से बन रहा है। क्वेश्चन क्या था 47 में, मैंने साधारण ब्याज पर कुछ धन दिया और 10 वर्ष पूरे होने पर मुझे दोगुनी राशि वापस मिली, यानी कुछ धन हम इसको इन्वेस्ट किए थे, 10 साल के बाद हमको दोगुना मिला, यानी कि हमको मिल गया 2p, यानी 10 साल के बाद, तो बढ़ा कितना मेरा धन, p बढ़ गया, यानी p जो बढ़ गया वही हो गया SI, तो p इजिकल टू PRT यानी कि 10 साल / 100, तो 10 कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो आर इजिकल टू 10%। क्वेश्चन नंबर 48। कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, यदि वह 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है, 10 में हो गया 3 गुना, तो बढ़ा कितना, कोई था पी 10 साल में हो गया 3 गुना, 10 साल में हो गया 3 गुना, बढ़ा कितना 2p, 2p क्या हुआ ब्याज हुआ,
यानी कि ब्याज बराबर पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी अबट्टा 100, कैंसिल पी से पी कैंसिल, यानी कि तो आर बराबर 10 × 20%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने से 8/5 गुना हो जाता है। कोई धन था पी और वो कोई धन था पी और वो 5 वर्ष में अपने से 8/5 गुना हो जाता है, यानी कि 8p/5 हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऐसा ही कैसे निकलेगा, ऐसा बराबर मिसधन माइनस मूलधन, यानी 8p - 8p/5 - p, यानी 8p/5 - p, ये क्या हुआ a माइनस पी, यानी कि ये हो गया ऐसा है, ऐसा है बराबर पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टाइम, पी इंटू आर इंटू टी बट्टा 100, पी से नहीं पी से बी यानी 5 से 20 बार में इसको कि 8p - 5p यानी कि 3p/5, 3p/5 इजकल टू पी आर बट्टा 20, 5 × 20, पी से पी कैंसिल, आर बराबर 4 × 3 = 12%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50। किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, यानी कि मूलधन पी है, पी का 1/4 क्या है ब्याज है, तो ब्याज बराबर पी आर टी, पी आर टी 4 वर्ष का ना, पी आर टी यानी कि 4 वर्ष का, तो ब्याज की दर के 4 वर्ष का इतना है, तो यहाँ से आप निकाल दे, पी से पी कैंसिल हो गया और आर बराबर क्या हुआ, आर बराबर 4/4 PRT/100 था ना, ऐसे निकला PRT/100, पी से पी कैंसिल 4 से 25 बार में, तो आर बराबर 25/4 यानी कि 6.625 यानी 6.1/4 इतना निकला। एक 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितने वर्ष में एक राशि 3 गुनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर 10% है। कितने वर्ष में टाइम पूछ रहा है और कितने टाइम में रेट कितना दिया है, ये 51 3 गुनी है, 10% रेट है, रेट इसका है 10%, ये हो जाएगा 3 गुनी है, पी बी था ये हो गया 3p, कितना टाइम में चाहिए टाइम हमको नहीं पता, लेकिन पी था अब हो गया 3p, तो बढ़ा कितना 2p, ये बढ़ गया इंक्रीज किया, यानी 2p ही इसका एस आई होगा, यानी कि एस आई बराबर पी आर पी पी इंटू आर इंटू टाइम बट्टा 100, पी से पी कैंसिल, तो टी बराबर 10 × 20 साल। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखें, 52। कितने वर्ष में कोई धनराशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाती है, तो बढ़ गया कितना 2p बढ़ गया, यानी कि ब्याज बराबर पी आर टी, पी इंटू आर। 52 नंबर क्वेश्चन, कितने वर्ष में यानी कि पी इंटू 10% प्रतिवर्ष, 10% दिया हुआ है, 10% इंटू टी बट्टा 100, पी से पी कैंसिल, 2 × 5 = 10 और 5 से 20 × 5, यानी कि टी बराबर 20 साल। तिरपन नंबर क्वेश्चन, कोई धन 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है यदि समय में यह कितने समय में यह डबल हो जाएगा। 15 वर्ष 6 माह में होता है 3 गुना, कितने समय में यह 2 गुना होगा। देखिए पहले तो हम पी निकालेंगे, देखिए 15 साल 6 महीना का मतलब क्या हुआ, 15.5 साल, 15.5 का मतलब क्या हुआ 31/2 साल, यानी पी इंटू आर इंटू टी, आर इंटू टी बराबर, अब देखिए ऐसा है 15 साल 6 महीना में होता है 3 गुना, यानी बढ़ेगा कितना 2 गुना बढ़ेगा, यानी कि एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी और बट्टा में 100, पी आर टी बाई 100,
तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमको आर निकलेगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो आर का वैल्यू कैसे निकलेगा देखिए, 100 200 400, यानी आर बराबर 400 थ्री कहाँ, अच्छा 400/31, आर का वैल्यू कितना निकला 400/31। अब देखिए कितने समय यह दोगुना होगा, कितने समय यह दोगुना होगा, दोगुना मतलब क्या, कितना बढ़ेगा वो पी बढ़ेगा, यानी ऐसा ही क्या हुआ, पी बराबर पी इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। दूसरी कटा पी से पी कट गया, यानी कि टी बराबर 31/4 टाइम्स, यानी कि 4 × 7 = 28, 3/4, यानी इसको लिख सकते हैं 7 + 3/4 वर्ष, यानी 7 साल, और प्लस 3/4 को हम बदलते हैं महीना में, गुने 12, 4 × 3 = 12, यानी कि 7 साल और 3 × 3 = 9 महीना, 7 साल और 9 महीना, 7 ईयर 9 मंथ, इस रूप में ये निकला। अब अगला क्वेश्चन देखिए 54, वैसे है बहुत आसान, सब एक ही जैसा बनता है, इसलिए हम फास्टली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में समान दर से 7 गुनी हो जाएगी, 4 साल में 3 गुना, यानी बढ़ेगा कितना, 2p बराबर पी इंटू आर इंटू 4 साल में 3 गुना होती है ना, यहाँ से हम आर का वैल्यू निकालते हैं, 2 × 4 = 250, आर वाला क्या हुआ 50%। अब ये कितने वर्ष, कितने समान दर से, यानी कि रेट 50% ही होना चाहिए, तो P इंटू आर इंटू कितने साल में पी आर टी बट्टा 100, ये कितना गुना होगा, 7 गुना होगा, 7 गुना होना का मतलब क्या हुआ, 6p बढ़ेगा, कितना पी बढ़ेगा, 6p इसका ब्याज होगा, तभी तो 7p इसका मिश्रधन होगा, तो P से P कैंसिल होगा, 50 दूना, यानी कि टी बराबर 6 × 2 = 12 साल। यदि कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में 3 गुना, 10 साल में 2 गुना, यानी ब्याज कितना होगा P, तो P इंटू 10 साल में 2 गुना होता है, P से P कैंसिल, तो R बराबर 10% होगा इसका, 10 साल में होता 2 गुना, यानी R होगा 10%, कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना होने का मतलब क्या होगा, इसका ब्याज होगा 2p बराबर पी इंटू आर इंटू टी बट्टा 100, कट गया पी से पी कैंसिल हो गया, तो टी बराबर 10 × 20 साल में, 20 साल में होगा कितना, ये 3 गुना। अब 56 नंबर देखिए, कोई राशि 10% वार्षिक दर से कितने समय में 1.5 गुनी होगी, कितने समय में हो जाएगी 1.5 गुनी, कितने समय हो जाएगी ये 1.5 गुनी, 1.5 गुनी मतलब क्या, कितना बढ़ेगा, 1/2p बढ़ेगा, यानी पी बट्टा 2 ये बढ़ा है, 1.5 मतलब क्या, कोई एक था हो गया 1.5, तो बढ़ा कितना, आधा, पी बटा 2 बढ़ गया आधा, ये होगा ब्याज, ब्याज बराबर पी इंटू आर इंटू टी, कितने समय में इतना गुणी, 10% की पी इंटू आर का वैल्यू कितना है 10% इंटू टी हमको चाहिए, बट्टा में 100, 2 × 5 = 10, 3 से पी कैंसिल, यानी टी बराबर 5 साल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों के समय में संख्यात्मक मान समान है, तो वार्षिक दर क्या है, देखिए किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो मूलधन का 1/9 क्या है, ब्याज है, ब्याज बराबर पी इंटू आर इंटू टी, अब आर और टी का वैल्यू बराबर ही है, तो आर का मान लेते हैं के है, और टी भी तो हो जाएगी के ही, और बट्टा में 100, पी से पी कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर बराबर, यानी कि 1/9 बराबर के स्क्वायर बट्टा 100, तो के स्क्वायर बराबर 100/9, तो के बराबर रूट अंडर 100/9, यानी कि 10/3 बोले तो 3.3। अब क्या पूछ रहा है, तो वार्षिक रेट क्या है, तो रेट तो इसका क्या हुआ 3.3 बोले तो 3.1/3%।
कितना था लिखे भी नहीं, ये था 57 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 58। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। साधारण ब्याज क्या है? मूलधन का 9/16 है। 9/16 क्या है? मूलधन का 9/16 है। 9 पी बटा 16 क्या है? इसका ब्याज है। तो ब्याज बराबर पी आर टी, पी इंटू आर। आर क्या है? अब देखिए ब्याज दर और समय के वर्ष रेट और टाइम बराबर ही है, तो रेट और टाइम को मान लेते हैं, के और के मान लेते हैं, बट्टा में 100 कर लेते हैं। पी से पी हो जाएगा कैंसिल, तो के स्क्वायर बराबर 100 × 9/16। तो के बराबर रूट अंडर 100 × 9/16। अब क्या निकले? 10 × 3 यानी कि 30/4, बोले तो 15/2, बोले तो 7.5 यानी कि 7.5। नंबर ऑफ क्वेश्चन 59 देखिए, इसमें कहता क्या है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो गई। यानी कोई धन है पी और इसके इसके यानी इसमें इसके वैल्यू में 40% की वृद्धि हो जानी चाहिए, यानी 40% की वृद्धि होनी चाहिए। आप लोग यदि मेरा परसेंटेज क्लास किए हैं तो वहाँ पर मैंने क्या बताया, 40% वृद्धि का मतलब होता है 40% ज़्यादा। 40% ज़्यादा का मतलब क्या हुआ? 140%, यानी वो कोई संख्या पी थी और वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 40% ज़्यादा, यानी कि अपने आप का 140%, यानी परसेंट मतलब 140/100 हो जाएगी। यानी पी था इतना, अब हो गया 140 पी/100। ये कितना टाइम में, कितना समय में? तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम इसको रेट दिया होगा इसमें 5%, इसका रेट कितना है 5%, यानी कोई धन कितना समय में 5% रेट से अपने आप को हो जाएगी यानी 40% ज़्यादा हो जाएगी, यानी अपने आप को हो जाएगी 140%। या फिर 40% ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, 40% ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, ये इसका एस आई हो गया, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये होगा ए, ये हो गया पी, ये हो गया एस आई, ये होगा टी, ये होगा आर। तो यानी एस आई बराबर पी आर टी बाई 100 यानी कि 40 पी/100 पी इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। पी से पी कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 5×8=40 यानी कि टी बराबर 8 यानी कि टी बराबर 8 साल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, यदि 6 वर्षों की सरल ब्याज की राशि मूलधन का 30% के बराबर है, 6 साल का यानी कि 6 वर्ष का साधारण ब्याज की राशि मूलधन का 30 यानी कि मूलधन यानी पी का 30% जो है वो एस आई है। एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी 6 साल/100 यही कहता है। तो यह कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगी, यानी कि देखिए 6 साल में हो गया 30%, यानी ये हो गया एस आई बराबर पी आर टी बाई 100। यहाँ से हमको निकालना है पी से पी कैंसिल, 100 कैंसिल, 6×5=30 यानी कि आर बराबर क्या निकला, 5%। अब कहते हैं कितने समय में ये मूलधन के बराबर है, यानी कि इसका जो ब्याज होगा वो इसका जो देखिए जो ब्याज होगा, ब्याज जो होगा मूलधन के बराबर होगा, मूलधन कितना है पी है, तो ये हो गया एस आई, एस आई बराबर पी आर टी, पी इंटू आर का वैल्यू 5% और टी का वैल्यू ये कितने समय में हो जाएगा, इतना पी से पी कैंसिल, 5×20=1 यानी टी बराबर 20 साल में ये अपने मूलधन के बराबर हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट आएगा जो कहेगा 61 नंबर, हाँ ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। सूर्य के पास 10,000 रुपये थे, उसमें से उसने कुछ रुपये पी को 2 वर्ष के लिए 15% पे, 10,000 रुपया था, इसने इसको पी को दिया और क्यू के दिया, पी को दिया 2 वर्ष के लिए, पी को दिया 2 वर्ष के लिए 15% पे, उसने बचे हुए रुपये, अब पी को रुपया दी कुछ रुपये, मान लेते एक्स रुपया दिया, अब बचा कितना 10,000 - x, ठीक है। समान वर्ष के लिए, मान लेते कि दोनों को जो है एक ही टाइम के लिए दिया, तो जब पी को दिया था 2 साल के लिए तो क्यू को भी देगा 2 साल के लिए। पी को दिया है 15% पे, क्यू को दिया है 18% के साधारण ब्याज पर दिया है,
2 वर्ष के बाद सूर्या को पता लगा कि पी ने उसे क्यू की तुलना में 360 रुपया ब्याज के रूप में अधिक दिया, यानी पी जो है पी क्यू से 360 रुपया ज़्यादा दिया है, यानी कि पी क्यू से 360 रुपया ज़्यादा दिया है, यानी कि पी जो है क्यू से 360 ज़्यादा है, ठीक है, 360 ज़्यादा है क्यू, पी पी जो है क्यू से 360 ज़्यादा है, यानी ये आपका बेसिक इक्वेशन बना, यानी कि पी का ब्याज क्यू का ब्याज से 360 ज़्यादा है, तो पी का ब्याज निकालिए, पी का ब्याज कितना आएगा, यानी कि एक्स इंटू आर, आर कितना है 15% दिया था, टी कितना है 2 वर्ष के लिए, बट्टा 100, अब देखिए बराबर क्यू क्या है, अब देखिए इस क्यू को हम इधर भी ला सकते हैं, तो पी माइनस क्यू, क्यू का वैल्यू कितना आएगा 10,000 माइनस एक्स, ये हो गया पी इंटू आर, इसका रेट कितना है, इसका 18% रेट है, इसका रेट है कितना 18% इंटू, इसका टाइम कितना है, जितना इसका टाइम है उतना ही टाइम इसका भी है, तो पी आर टी बट्टा 100 ये हुआ। अब देखिए ये जो है बराबर कितना 360, इसमें से हमको किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालने का है, देखिए तो फिर ये कैसे निकलेगा, पहले तो कटा दीजिए, 2 से आएगा 50, 2 से ये आएगा 50, अब कटे 5 से, 5 दिया 15, 10 बचे 50, अब 2 से 2 नुमा 18, 25 दुनिया 50, अब देखिए 3x बट्टा 10 माइनस 900, यानी कि 90,000, ये देखिए माइनस में ही है 90,000, अब माइनस 9x बट्टा में कितना 25 बराबर 360, अब इसको करते हैं 25 और 10 का फिर निकालते हैं, 25 10 कितना आएगा, LCM आएगा 50, LCM कितना आएगा 25 10 का 50, 10 पचे 50, 5 दिया 15x माइनस 25 दूना 50, 9 दूना 18, 180,000 माइनस 9 दूना 18x बराबर 360, इतना आ गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए माइनस को दोनों में गुना करते हैं तो क्या आएगा, इस 50 को उधर भेज के गुना कर देते हैं, 15x ये माइनस 180,000 और ये माइनस माइनस प्लस 18x बराबर 50 को इधर गुना कर देते हैं, कितना आएगा, तो 0 0 5 6 30, 5 3 15 3 18, 180,000, 1 2 1 2, 360 को 50 से गुणा किया तो ठीक है। अब इसमें से इसका कैलकुलेट करते हैं, तो 18 15 33x बराबर ये इधर जाके जुड़ जाएगा, यानी कि 18,000, 180,000 और 18,000, यानी कि 198,000 इतना आया। अब इसको कटाइए तो 11 से कटेगा, 11 से 33, 11 कम 11, 11 88, इतना 3 6 18, यानी कि x बराबर 6,000, यानी कि p को कितना दिया था, 6,000 दिया था, तो पता लगाइए कि सूर्या ने q को कितना दिया था, ये निकला, ये x किसको माने थे, x माने थे p को, तो q का कैसे निकलेगा, तो 10,000 में से x को माइनस करेंगे, 10,000 में से 6,000 को माइनस करेंगे बराबर 4,000, यानी कि ये निकला किसको, यही रुपया दे सको क्यू को, यानी कि कुल मिला करके तो कुल मिला कर इस चैप्टर में हमने SI को ख़त्म किया, जिसमें कि 61 क्वेश्चन था, 61 क्वेश्चन था, और सबका सब रेलवे के एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन था, और सबका सब यही क्वेश्चन रिपीट होता है, बेसिक क्वेश्चन बस सब यही था, और आप लोग को यदि इसको पढ़ने में परेशानी हो रही तो आप लोग मेरा ऑफलाइन नोट्स मंगवा सकते हैं, और नोट्स के लिए मेरा व्हाट्सएप का जो DP है उसको चेक कीजिए, उसमें सब कुछ लिखा हो, आपको कैसे मिलेगा नोट्स और कितना प्राइस का मिलेगा, तो इस तरह से अपनी तैयारी को देखिए, आपको मेरा वीडियो को देख करके लगा हो कि मेरा पढ़ाने का लेवल क्या है, इसको कोई भी लो लेवल से लेकर के हाई लेवल का स्टूडेंट इसको पढ़ सकता है बिल्कुल आसानी से,
तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, भले ही ये अनलिस्टेड है लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा। और अगला जो चैप्टर वो आएगा CI का, और ठीक है आप लोग ग्रुप के साथ बने रहिए। और अभी एग्ज़ाम का कोई भी डेट नहीं निकला है और सबका सब डेट ऐसा ही फेक रूप में आ रही है, तो बस ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आपकी रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरी है, और ज़्यादा यानी कि पेशेंस रखिए और आपके रिजल्ट तक पहुँचाने के लिए हम हैं। ओके, थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं आपको किसी और चैप्टर में।